नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पीएफ खाता धारकों का जो ब्याज है तो वो अभी तक पीएफ खाते में जमा नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ पर सीबीटी की बैठक में बताया गया था कि यह जो पीएफ खाता धारकों का ब्याज है तो उसे जो है वो दो किस्तों में दिया जाएगा, पर अभी तक अक्टूबर महीने में यह जो ब्याज है वो क्रेडिट नहीं हो पाया। ऐसे में यहाँ पर एक खबर निकल कर आई है कि ईपीएफओ ये जो अटका हुआ ब्याज है तो दिवाली के मौके पर ईपीएफ खाता धारकों के अकाउंट में जो है वो जमा कर सकता है। तो इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ईपीएफ खाता धारकों को ये जो अटका हुआ ब्याज है तो वो कब मिल सकता है तो इसके बारे में आप सभी को जानकारी मिल सकती है, और ब्याज मिलने के बाद आप किस तरह से इसे चेक कर सकते हैं तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, ईपीएफ खाता धारकों का साल 2019-20 का जो ब्याज अभी तक अटका हुआ है तो ईपीएफओ द्वारा उसे जो है वो दिवाली में क्रेडिट किया जा सकता है, तो ऐसा अपडेट जो है वो यहाँ पर निकल कर आया है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ईपीएफओ देगा दिवाली का तोहफा, मिल सकता है पीएफ का अटका ब्याज। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये जो ब्याज है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो जी हाँ, ईपीएफओ का ये जो ब्याज क्रेडिट होने वाला है तो इसे चेक करने के लिए ईपीएफओ द्वारा जो जो सुविधा इससे पहले दी गई है तो उसका इस्तेमाल करके आप आपके खाते में आपका ब्याज का अमाउंट क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है तो उसे जान सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएफओ देगा दिवाली का तोहफा, मिल सकता है पीएफ का अटका ब्याज, ऐसे करें चेक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2019-20 के 8.5% ब्याज की पहले किस्त इस दिवाली तक अपने सब्सक्राइबर के खाते में डाल देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ पहली किस्त के तहत 8.15% का ब्याज और बाद में बाकी 0.35% का ब्याज अपने सब्सक्राइबर को दिसंबर तक चुका देगा। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ने सितंबर में कहा था कि 31 मार्च 2020 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक जो सितंबर में खत्म हुई थी तो उसमें यह जानकारी जो है वो दी गई थी कि ईपीएफ खाता धारकों का जो अटका हुआ ब्याज है तो उसे जो है वो दो किस्त में यहाँ पर दिया जाएगा और उसे जो है वो इस साल के अंत तक पे किया जाएगा, ऐसा अपडेट जो है वो बैठक में दिया गया था। तो चलिए जान लेते हैं कि आप पीएफ का ये जो बैलेंस है तो वो अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। आपके अकाउंट में पीएफ का पैसा आया है नहीं, आप इसे बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर यूएन में रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप समय समय पर खाते की जानकारी ले सके। तो चलिए जानते हैं कि आप खाते में बैलेंस जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। पहला यहाँ पर जरिया है कि आप एसएमएस के जरिए भी आपका जो खाता है तो उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFOHOUANENG मैसेज लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा। यह ENG का मतलब है भाषा से, जैसे आपको जानकारी इंग्लिश में चाहिए तो आप पहले 3 लेटर ENG लिखेंगे, हिंदी में चाहिए तो पहले लेटर HIN लिखेंगे और तब भेजें। मैसेज की सुविधा इंग्लिश हिंदी के साथ साथ पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बंगाली भाषा में भी अवेलेबल है। मिस कॉल के जरिए भी आप जो आपका पीएफ खाते में जो अमाउंट जमा है या फिर पीएफ खाते में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो एक और आसान तरीका है, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 0112901406 पर मिस कॉल देकर ईपीएफ बैलेंस जान सकते हैं। मिस कॉल देने के बाद आपको रजिस्टर नंबर पर ईपीएफ का एक मैसेज आएगा जिसमें आपको आपका ईपीएफ बैलेंस पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सभी एंड्रॉइड मोबाइल जो है वो यूज करते हैं तो ऐसे में उमंग ऐप जो है तो उसे डाउनलोड करके भी जो है आपके एंड्रॉइड मोबाइल के सहारे से जो है वो पीएफ का बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। मोबाइल फोन में उमंग ऐप डाउनलोड करें, फिर ईपीएफओ पर क्लिक करें, एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस पर जाएं, यहाँ व्यू पासबुक पर क्लिक करें, अपना यूएन नंबर और ओटीपी नंबर भरें, अब अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ईपीएफओ की जो वेबसाइट है तो उस पर जाकर भी आपका पीएफ का जो बैलेंस है तो उसे जो है वो चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर ई पासबुक पर क्लिक करें, एक नया पेज passbook.epfindia.gov.in खुल जाएगा। यहाँ पर अपना
यूजर नाम, यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरे एक नया पेज आएगा। यह ई पासबुक पर अपना ईपीएफ बैलेंस मिल जाएगा। श्रम मंत्रालय का कहना है कि 8.5% के ब्याज में से 8.15% कर से होने वाली कमाई से आएगा, जबकि 0.35% की रकम ईटीएफ की बिक्री के जरिए जुटाई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में लोगों ने पीएफ से पैसा निकालकर अपना गुजारा किया है। ईपीएफ ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक यानी 5 महीने के दौरान 35,445 करोड़ रुपए के 94.41 लाख भविष्य निधि दावों का निपटारा भी किया है। तो यह दोस्तों ईपीएफ खाता धारकों का ये जो अटका हुआ ब्याज है, तो उसे जो है वो यहाँ पर दिवाली के मौके पर ईपीएफ खाता धारकों के खाते में जो है वो जमा किया जा सकता है, ऐसा अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आया है। जिसमें से यह जो पहला किस्त है जो कि 8.15% है, तो उसे जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। बाद में बचा हुआ 0.35% ईपीएफ खाता धारकों के अकाउंट में साल के अंत तक क्रेडिट कर दिया जाएगा, ऐसा अपडेट जो है वो सीबीटी की बैठक से निकल कर आया था। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईपीएफ खाता धारकों को ये जो मिलने वाला ब्याज है, तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट था, तो उसके बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।